नमस्कार, मैं हूं आशु और आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। आपको मालूम है कि शमशाबाद एरिया में 27 और 28 की रात में एक वेटरनरी डॉक्टर को किडनैप, सेक्सुअली असॉल्ट करके और मर्डर भी किया गया। अब विक्टिम को बॉडी को लेके यहाँ चटानपली विलेज शादनगर मंडल में आके बर्न किया गया। ये दो केसेस को हम लोग इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया, हमारा एसीपी शादनगर। हम लोग बहुत मेहनत करना पड़ा इसमें साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, बट इनिशियली क्योंकि कुछ एविडेंस नहीं था, कौन किया है करके भी मालूम नहीं था, बहुत सेंसेशनल ऑफेंस था। बाद में हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस और साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने के बाद चार लोगों को मक्तल मंडल नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट से चार लोगों को अरेस्ट किया गया। मोहम्मद अलियास आरिफ, जल्लू शिवा, जल्लू नवीन, चिंतकुंटा चन्नकेशलु, ये लोग सब मक्तल मंडल का नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट का है। इन लोग को हम लोग 30th को अरेस्ट करके चेरलपल्ली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके चेरलपल्ली जेल को भेजे गए। बाद में हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करने के बाद कस्टडी 10 days को मिला। 4 तारीख को हम लोग इनका कस्टडी लिए गए। 4 और 5 उनको एग्जामिन करते हुए और इंट्रोगेशन करते हुए कैसे ऑफेंस हुआ कलेक्ट करने के बाद विक्टिम का सेलफोन, डाटा बैंक और उनका वॉच को रिकवर करने का ज़रूरत था। इनके लिए हम लोग, ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ बर्न किया उसी के प्लेस में हम लोग रखे हैं, उसको हम लोग वहाँ पे हाई करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पे लेके आया। हमारा पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 5:45 को आ गए। सो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से उनको हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा जो दो पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। सो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया, हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो चार लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। ये लोग, दो लोगों के पास हमारा वेपन्स भी दिखे, A1 मोहम्मद के पास और A4 चिंतकुंटा से चन्नकेशलु के पास हमारा दो वेपन्स मिले। और इस मामले में हमारा दो ऑफिसर्स भी, एक SI और एक कांस्टेबल्स भी, SI वेंकटेश्वर नंदीगामा पुलिस स्टेशन का और एक कांस्टेबल अरविंद गौड भी इंजर्ड हुआ। इन लोग दोनों को हम लोग लोकल हॉस्पिटल को चेकअप के लिए भेजे। बाद में उनका रेफरेंस के बाद हम लोग केयर हॉस्पिटल को एडमिट किए गए। इस मामले में हम लोग बाद में इस 4-5 दिन भी हम लोग बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किया इनके खिलाफ और इनका DNA प्रोफाइलिंग भी किया, विक्टिम फैमिली का भी किया। और ये लोग भी, हमको कुछ शक है कि ये लोग कर्नाटका, आंध्र और तेलंगाना में भी ऐसे ऑफेंस किए गए रहेंगे। बेसिकली ये वुमन बर्न बॉडीज का केसेस, मिसिंग केसेस का, और इसलिए हम लोग उसका भी डाटा कलेक्ट करके इनका इन्वॉल्वमेंट के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। मैं आप लोगों का एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, विक्टिम फैमिली को और विक्टिम को प्लीज़ रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। उनका नाम और उनका पास जाके उनको मत ये तकलीफ देने के लिए मत, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू ट्रबल द फैमिली एंड दी नॉट टू रिवील द नेम ऑफ द विक्टिम। सर, काउंटर में कितनी सर, VC सज्जना सर है, क्योंकि 2008 में भी सर एनकाउंटर में कितनी गोली फायर हुई, कितनी गोली फायर हुई और क्या पुलिसकर्मी को गोली लगी है? पुलिस को हेड इंजरी और प्रीवियस इंजरीज हुआ।